हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी 12:20 हैं और ठीक टाइम पे मैंने गुड मॉर्निंग बोला, नहीं तो गुड आफ्टरनून हो जाता। और अभी हम करेंगे काम घर के। तो अभी मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए हैं क्योंकि आज हम उठे थे 9 बजे, क्योंकि कल रात को सोए थे हम 12 बजे। और किस वजह से सोए थे 12 बजे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ कल कुछ ऐसा था कि कुणाल के पापा गए थे सोसाइटी राशन लाने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। लेकिन वो ना, जैसे हमारे यहाँ पे 2 सोसाइटी है, एक तो हमारे घर से नीचे और एक है पीछे, पुराना जो ऊपर गांव है ना वहाँ पे पीछे ऊपर जाके, तो 2 सोसाइटी है। तो वो पहले गए थे नीचे वाले सोसाइटी में, तो वहाँ पे जो है राशन नहीं था। फिर वो यहाँ से होके चले गए थे, तो जब भी वो यहाँ से जाते ना तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि उनका जो गाड़ी चलाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। वो खूब ऐसे क्या कहते हैं, एक्सीलेटर देते हुए जाते हैं और साउंड मतलब ठीक रखते हैं वो गाड़ी का। तो मुझे पता लगा कि वो यहाँ से गए हैं, सॉरी। और जब मैंने उनको कॉल किया, मैं उनको बताना चाहती थी कि दाल इकट्ठे लेके मत आना, क्योंकि दाल ना आजकल बरसात में ख़राब हो जाते हैं, तो ये बताना चाहती थी मैं। तो मैंने उनको कॉल किया तो वो अपना कॉल नहीं उठा रहे थे। तो इस तरह से मैं पता नहीं कितने, आई थिंक मैंने 26-27 के अराउंड जो है कॉल किए थे उनको, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। और ऐसा कभी नहीं होता है कि वो मेरा कॉल ना उठाएं, ऐसा होता ही नहीं कभी। कभी हमारे बीच में झगड़े भी हो जाते हैं ना छोटे मोटे, तो वो ज़रूर उठा के ज़रूर बोलेंगे कि हाँ मैं बिज़ी हूँ या मैं ठीक हूँ, बस ऐसा 2 बात करेंगे और फ़ोन रख देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरे से बात ना करें। तो कल उन्होंने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैंने जितने भी मेरे आसपास के जितने भी भाई है ना, देवर कह सकते हैं आप, मतलब उनको मैं भाई कहती हूँ, तो उन सबको मैंने पूछा, उन सबको मैंने कॉल किया कि आपसे आपकी बात तो नहीं हुई है पवन से? तो सब ने कहा कि नहीं, हमको नहीं पता कहाँ पे है, सब ने ऐसे बोला। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे फ़ोन किए थे उनको कि कहाँ पे है बोलकर, लेकिन उन्होंने किसी का कॉल नहीं उठाया। और वो कहाँ पे थे? वो थे ऊपरी गांव में, और वो अपने दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और गाँव के जो दोस्त थे, जो बचपन के उनके दोस्त थे, उनके साथ बैठ के गप्पे कर रहे थे। और जो फ़ोन था वो गाड़ी पर रखा था। और यहाँ पे ना मेरा बीपी लो होकर मुझे चक्कर आ रहा था, और मैं रोए जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मैंने कल उनको दिन को जो है हलवा खिला दिया था, और मुझे यही टेंशन हो रही थी कि जब वो ऐसे ऑयली चीज़ें कुछ खाते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है। तो मुझे ये था कि पता नहीं कहीं यहाँ से गए होंगे और उनका बीपी हाई हो गया हो, और फिर मतलब दिमाग में उठपटांग बातें चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये सब कुछ होते होते रात के 9-9:30 बज गए, और बाद में हमें पता लगा कि वो ऊपर है गाँव में। तो फिर बाद में तो बात हो गई थी, लेकिन ऐसे करते करते फिर खाना बनाया, उसके बाद खाना बनाया, फिर खाना खाते हुए 12 बज गए थे। तो लेट सोए थे तो लेट उठे, क्योंकि नींद तो पूरी होनी चाहिए। और आजकल छुट्टियां हैं तो आजकल इसका मतलब फुल फ़ायदा ले रहे हैं हम छुट्टियों का, तो ऐसी बात है। तो अभी भी हम खाना खाने में लेट हो गए, और अभी बर्तन साफ़ करने को है और घर की सफाई करने को है। सफाई मीन ज़्यादा नहीं, बस वही झाड़ू पोछा करने को है। और पिछले कल ना इतनी सारी छोटी छोटी जो तितलियाँ भी नहीं बोलेंगे उनको, हाँ यहाँ की भाषा में बोलेंगे गुडरियाँ, तो वो बहुत सारा लाइट के पास आ गई थी, क्योंकि हमारा जो लाइट था वो 12 बजे तक ऑन था। तो काफ़ी सारी वो जो छोटी छोटी तितलियाँ थी वो हमारे यहाँ पे बाहर थी, और फिर जब घर का लाइट अंदर का ऑन था तो वो अंदर भी आ गई, तो पूरे उनके पंख यहाँ पे गिरे हैं। खुद तो वो चल के भाग गई, लेकिन उनके पंख यहाँ पे गिरे हैं, तो वो पूरा साफ़ करना है। और सुबह भी बाहर बहुत ज़्यादा था उनका पंख गिरा हुआ, तो वो उसके पापा ने साफ़ कर दिया, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत है वो हमें साफ़ करना है। और कुणाल के पापा गए हैं अभी, जो भाई हैं हमारे उनके साथ गए हैं किसी फंक्शन में, तो मैंने कहा ले जाओ भैया इनको साथ में, क्योंकि वो ना घर बैठ के थोड़ा बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है बाहर घूमने की आदत है। तो मुझे पता लग जाता है कि नहीं, इनकी हाथ में दर्द हो गया, तो मुझे पता लग जाता है कि इनको अब घर से भेजना ठीक रहेगा। तो मैंने कहा थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, और हमको तो आदत है घर में बैठने की। तो अभी बर्तन साफ़ करते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं, बड़ा बड़ा मतलब जितना हमसे हो पता उतना करते हैं। और बारिश तो नॉन स्टॉप लगी है, लेकिन अभी नहीं लगी है, सुबह लगी थी, उसके बाद फिर बंद हो गई। और अभी नदी इतना ख़तरनाक आया हुआ है ना नीचे, ब्यास जो रिवर है वो बहुत ख़तरनाक आया हुआ है, और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रोड ख़राब है, तो कहीं घूमने जा नहीं सकते, तो इसलिए घर पे बैठे हैं। और बारिश की वजह से जो हमारे मिस्त्री थे वो भी नहीं आए हैं, और कुछ कर नहीं सकते, तो जो घर के काम है वो करते हैं। और अभी चलते हैं
किचन की और किचन की सफाई करते हैं, और कुणाल होमवर्क कर बेटा अपना पूरा कंप्लीट, ठीक है जल्दी से। और नहा तो मैं सुबह सुबह गई थी, क्योंकि आजकल ना हमारा जो पानी का जो टैंक है ना उसमें मिट्टी वाला पानी आ रहा था 3-4 दिनों से, अभी वो मिट्टी बैठ चुकी है, तो फिर मैंने कहा टाइम से नहा लेते हैं, तो फिर नहा गए थे। और बाल आजकल ना इतने ज़्यादा फ्रिजी होते हैं ना, मेरे बाल हमेशा ऐसे होते हैं, अगर मेरे बालों में ना थोड़ा सा भी बारिश का पानी गिर जाए तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे बाल बोला ऐसे घोंसले की तरह उठ जाते हैं। तो 2-3 दिनों से मैंने बाल नहीं धोए थे, तो मैंने कहा चलो आज अपना हेयर वॉश कर देती हूँ, तो भी ज़्यादा बात नहीं करते और चलते हैं किचन की ओर। तो अभी हम जा रहे थे अगले वाले गांव में कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे और साथ में जा रहा था कोको। तो कोको बहुत दिन के बाद गाड़ी में बैठा, तो ये बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। और ये है रास्ते का व्यू। और अभी हम पहुँच गए थे राशन वाली शॉप में, जहाँ से हमने दालें, तेल, मतलब जितना भी साबुन, सरफ, सब कुछ हमने यहाँ पर लिया। और ये दुकान के पीछे का व्यू है जहाँ पर बांस के पेड़ लगे हुए थे, और इसको देख के कोको बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे खुले में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम चल पड़े थे घर की तरफ में, और ये सामने आपको दिख रहा है दौलादार रेंज, और ये मैं, ये सारा सामान लेकर आए हैं राशन का सामान, और साथ में लाए हैं यहाँ पे चाउमीन, क्योंकि चाउमीन खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो ये भी ले आए पैक करके, तभी चाउमीन खाते हैं। ये है हमारा चाउमीन जिसको मैंने अभी टेस्ट किया, तो ये चाउमीन के नाम पर ना कलंक है, कलंक, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन पैसे खर्च किए हैं तो फिर खाना पड़ेगा। और इसके ना ये बोला है उन्होंने कि ये फुल प्लेट है, और ये कहीं से फुल प्लेट लग नहीं रहा है, और टेस्ट तो इसका एकदम से नॉनसेंस वाला टेस्ट है, क्या बोल सकते हैं लोगों को ना, किसी दिन खुद बताऊंगी मैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि देखने में बहुत टेस्टी होगा और खाने में तो लाजवाब होगा, लाजवाब। तो चलिए खा लेते हैं। और इस समय मैं आप सबसे यही बात कर रही थी कि जो चाउमीन का टेस्ट है ना वो इतना वाहियात था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट था। और मैं इसलिए खा रही थी क्योंकि इसके पीछे मेरे 80 रुपये चले गए थे, मतलब 80 रुपये मेरे पानी में गए, तो इतना गंदा टेस्ट था इसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी रात के 11 बज रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज आई है ना, छोटी छोटी, देखिए दीवार में पूरा पेंटिंग हो गई है यहाँ पे, तो देखिए।